हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन विरकाट नीटिंग। गाइस, ये लेके आई हूँ मैं फ्रंट साइड के दोनों पल्ले। जैसा कि आप जानते हो, मैंने बैक साइड का जो पल्ला है उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने आपको कैसे पैटर्न बिठाना है ये सब बताया हुआ है, कितने फंदे लगाने हैं, कैसा बॉर्डर लगाना है। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि शोल्डर डिक्रीजिंग कैसे करनी है और उसकी लेंथ कितनी रखनी है। दो पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, ये मेरे पैटर्न का थर्ड पार्ट है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इसमें मैं बताती हूं आपको कि मैंने कितने फंदे लगाए हैं और कैसे पैटर्न बिठाया है और कैसे मैंने ये बटन पट्टी लगाई है। जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रंट साइड है ये और बैक साइड में मैंने 110 फंदे लिए थे। बैक पल्ले में मैंने 110 फंदे लिए थे। अगर उसका हाफ़ करते हैं हम तो उसका हाफ़ करने के बाद हमारे यहाँ पर 54 फंदे बनने चाहिए हाफ़ के लिए, और 10 फंदे मैंने रखे हैं एक्स्ट्रा पट्टी के लिए। तो क्या होता है कि अगर हम जैसे ये बटन पट्टी रखते हैं, ये एक्स्ट्रा में नहीं आती। जैसे कि मैंने दोनों पल्ले साथ में रखे हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो आधे फंदे हमारे यहीं पर गुम हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा में नहीं आएंगे। तो आधे फंदे हमारे काउंट होते हैं, आधे फंदे हमारे काउंट नहीं होते। तो इसका ये होता है। तो इसके लिए मेरे बनते थे 54 स्टिचेस, लेकिन मैंने 10 फंदे रखे पट्टी के, 64 हो गए, और 4 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं अपने पैटर्न को सेट करने के लिए। अगर मैं 4 फंदे एक्स्ट्रा नहीं लेती तो मेरा पैटर्न सेट नहीं होता। अगर आपने भी सेम मेजरमेंट किया कार्डिगन बनाना है तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। और दूसरा दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास पटन पट्टी का और कोई पैटर्न है तो आप वो रख सकते हो। अगर यही पटन पट्टी रखनी है तो इसके लिए कम से कम 10 फंदे तो लेने ही पड़ेंगे। बटन पट्टी के कभी भी 10 से कम फंदे नहीं रखे जाते और 12 से ज़्यादा नहीं रखे जाते। अगर हम ज़्यादा रखते हैं 12 से तो बहुत ज़्यादा चौड़ी बटन पट्टी अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा छोटी रखेंगे तो वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें अभी बटन होल बनने हैं तो उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए कि कहाँ सेंटर हम लेंगे और कहाँ बटन होल बनाएंगे। तो ये थी, मैंने आपको बताया कि कैसे इसके मैंने फंदे लगाए हैं, कितने लगाए हैं, और ये हमारा पैटर्न फर्स्ट जो है फ्रंट पल्ला ये वाला है, और दूसरा है ये। एक फ्रंट पल्ला हम बना लेंगे तो दूसरा इजीली बन जाएगा, क्योंकि एक में पता चल जाता है कि हमने कैसे शुरुआत करनी है। तो ऐसे करते हैं, एक को साइड में रख देते हैं, इसको पहले बनाना शुरू करते हैं। ये तो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये मैंने अपलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है। बैक साइड से दूसरे फंदे को पहले लेना है और पहले फंदे को बाद में लेना है, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, दूसरे फंदे को पहले ले लेंगे ऐसे, और थोड़ा लूज हैंड से निट करेंगे और पहला फंदा बाद में लेंगे। बॉर्डर बहुत शानदार है, बहुत ही आसान है। ऐसे दूसरे फंदे को पहले लेना है हमने और पहले फंदे को बाद में। आगे हमारा एक फंदा उल्टा आ जाएगा,
अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से असली शुरुआत होती है ना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कैसे करना है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हमने और जाली डालते हुए दो का एक कर देना है। अब चार फंदे उल्टे आ जाएंगे, एक दो तीन चार, यहाँ तक हमारा आठ फंदों का पैटर्न है जो कंप्लीट हो चुका है। दो मैंने सीधे फंदे बनाए, दो फंदों का एक किया और साथ में जाली डाल दी, चार फंदे मैंने बना लिए उल्टे, आठ फंदे हो गए हमारे। पैटर्न रिपीट हो रहा है, फिर से सेम करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, दो पैटर्न हो गए हमारे। ऐसे देखिए, ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। और रॉन्ग साइड से तो आपको पता है, जैसे कि उल्टे हैं जो सीधे बनाने हैं, सीधे हैं जो उल्टे बनाने हैं, वो भी मैं रो आपको दिखा दूँगी और यहाँ तक दिखाऊँगी कि कैसे हमारा बैक साइड से बटन पट्टी आती है। उन्हीं आठ फंदों को बार बार रिपीट करते हुए मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं आ गई हूँ रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से जो सीधे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, जो उल्टे हैं उनको सीधा बनाएंगे। पहले चार फंदे मेरे सीधे आ जाएंगे क्योंकि चार मैंने सीधी तरफ से उल्टे बनाए थे। चार आ जाएंगे मेरे उल्टे, यहाँ पर भी मेरे आठ फंदे हो गए। और इन्हीं आठ फंदों को बार बार रिपीट करते हुए उल्टी रो कंप्लीट हो जाएगी। चार फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे। पैटर्न बहुत आसान है और बहुत शानदार। उन्हीं आठ फंदों को बार बार रिपीट करते हुए मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं इस रॉन्ग साइड के लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ से हमारा बटन पट्टी शुरुआत होगी। जो मैंने फंदा सीधी तरफ से उल्टा बनाया था उसको सीधा बनाऊंगी। और यहाँ से देखिए, दो फंदे मैंने ट्विस्ट किए थे तो उनको क्या करेंगे, उल्टा बुनते हुए दूसरे फंदे को पहले हमने बुन लेना है और पहले फंदे को बाद में। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे ट्विस्ट कर लेने हैं हमने। दूसरे फंदे को पहले बनाना है और पहले फंदे को बाद में बनाना है। दो फंदे आ जाएंगे मेरे सीधे। तो ऐसे मैंने रॉन्ग साइड से भी रो कंप्लीट कर ली है। तो फ़र्क इसमें क्या है दोनों पल्लों में, यहाँ पर इस पल जो हमारा, ये देखिए लेफ्ट साइड का है, यहाँ से देखिए ना, सॉरी राइट साइड का। राइट साइड में हमारा पट्टी जो है स्टार्टिंग में आती है, लेकिन लेफ्ट साइड में हमारी पट्टी लास्ट में आती है। लेफ्ट साइड में पहले हमने पैटर्न स्टार्ट करना है, पैटर्न स्टार्ट करके बुनते हुए जाना है और लास्ट में हमने बटन पट्टी रखनी है। और यहाँ पर राइट साइड में पहले हमने बटन पट्टी रख लेनी है, उसके बाद हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है।
सिर्फ इतना डिफरेंट है, इसमें और कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप स्टार्ट कर लीजिए पैटर्न को, तो अच्छे से पहले वीडियो को देखिए, समझिए और फिर शुरू कीजिए पैटर्न, तो बहुत आसान है। अब मैं ऐसे ही दोनों पल्लों की लेंथ शोल्डर कटिंग तक कर लूँगी। शोल्डर कटिंग का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो इसमें मैं आपको बताऊँगी कि गला कैसे बनाना है, गले की लेंथ कितनी रखनी है, गले के फंदे कैसे कम करने हैं। तो इस वीडियो को भी आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा कि कहाँ से क्या करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। तो ऐसे मैं पूरा पल्ला कंप्लीट कर लेती हूँ, ये वाला और ये वाला शोल्डर कटिंग तक, क्योंकि सेम है, इसमें कोई भी खास डिफरेंस नहीं आता। एक बार शुरू कर लिया तो आगे तो हमने लेंथ ही बढ़ानी है। पैटर्न हमने सीख लिया है कि कहाँ से क्या करना है, तो बटन पट्टी भी मैंने बतानी जो थी वो बता दी है आपको कि कहाँ कैसे बटन पट्टी बनाई है और कितने फंदे रखे हैं। तो चलिए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर शोल्डर लेंथ तक अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है, लेंथ है जो शोल्डर डिक्रीजिंग तक। अब हम इसमें शोल्डर डिक्रीजिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक साइड में मैंने 110 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। अगर उसका हाफ करें तो हमारे पास 55 स्टिचेस बनते हैं एक साइड के, फ्रंट साइड के अगर हमने रखने हैं तो 55 स्टिचेस बनेंगे। लेकिन हमने पैटर्न को भी सेट करना है, तो इसको भी हमने ध्यान में रखना होता है। तो इसको सेट करने के लिए एक या दो फंदे अगर हमको कम या ज़्यादा लेने पड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले 54 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 10 स्टिचेस मैंने बटन पट्टी के लिए रखे थे, तो यहाँ पर मेरे हो गए 64। इसको 10 प्लस करके 64 हो गए। चार फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए थे अपने पैटर्न को सेट करने के लिए, टोटल हो गए मेरे पास 68। तो मैंने यहाँ पर 68 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे नीचे। मैंने ऊपर से ना तो बैक साइड में कोई ही स्टिचेस इंक्रीज़ किया था बॉर्डर के अलावा, जितने भी मेरे बॉर्डर में स्टिचेस थे उतने ही मैंने ऊपर रखे थे। तो इसमें कोई भी फंदा मैंने बढ़ाया नहीं है। तो ये था थोड़ा सा इसका मेजरमेंट, जो मैंने कि दोबारा से बताया है आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम इसमें करेंगे शोल्डर डिक्रीजिंग। शोल्डर डिक्रीजिंग मैंने वैसे तो बैक साइड के पल्ले में बताई है, सेम मेथड है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि फ्रंट साइड में हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे पहले हमने शुरू किया था 4-3-2-1 की डिक्रीजिंग, वैसे ही हम करेंगे। जब हम डिक्रीजिंग करेंगे तो वहाँ पर हम पैटर्न नहीं बनाएंगे। ये वाला जो हमारे जाली है पैटर्न के आस डिक्रीजिंग के आसपास नहीं आनी चाहिए। अगर ये आती हैं, इसमें साथ साथ आ जाती हैं, तो जब हम सिलाई करते हैं या फिर फंदे उठाते हैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती ये होल्स बने हुए। तो इसका हमने खास ध्यान रखना है कि हमें कोई भी जाली नहीं बनानी। तो पहले हम दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर इसी फंदे को वापस ले लेंगे उसी नीडल पर। सेम मेथड है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। दो हो गए, तीन, और ये चार। चार फंदे मैंने कम कर लिए हैं। आगे मेरा पैटर्न चलेगा, जो भी होगा मेरा पैटर्न, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने जाली बनानी बंद कर दी है और पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी।
तो इसी तरह मैं कंप्लीट करते हुए मिलती हूँ 3 फंदों की डिक्रीजिंग पर। तो अब हम आ गए हैं 3 फंदों की डिक्रीजिंग पर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं हमेशा पहला फंदा बिना बुना रखती हूँ, तो वही मैंने रखा है फिर से ताकि मेरी डिक्रीजिंग जो है स्मूथ हो ऐसे। तो फिर अब इसको ऐसे ले लेंगे दूसरी नीडल पर और 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा तो ऑलरेडी हमारा कम हो चुका है, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरा। 3 फंदे हमारे कम हो गए, आगे मेरा पैटर्न आएगा। ऐसे हमने पैटर्न को भी कंटिन्यू रखना है। और एक बात इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि 10 फंदे मैंने बटन पट्टी के रखे हैं, तो ये नहीं सोचना कि बटन पट्टी के फंदे अगर हम 10 रखते हैं या उससे कम ज़्यादा रखते हैं तो उससे पल्ला ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, जब हम बटन बंद करते हैं तो वो बटन पट्टी एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको मिलती हूँ 2 फंदों की डिक्रीजिंग पर। अब हम करेंगे 2 फंदों की डिक्रीजिंग। 2 फंदे राइट नीडल पर ले लेंगे और पिछले फंदे को पहले जो बिना बुना है इसके ऊपर से गिरा देंगे। उसके बाद इसको इसके ऊपर लेना है, इस नीडल के ऊपर, और 2 का 1 कर देना है। 2 फंदों की डिक्रीजिंग होगी हमारी। यहाँ से आगे मेरा पैटर्न चलेगा। तो 1 फंदे की डिक्रीजिंग अभी बाकी है, उसकी भी मैं बता दूंगी। जैसे हमने बैक साइड के पल्ले में की थी, सेम वही तरीका है। लास्ट में 1 फंदे की डिक्रीजिंग बची है, वो भी कर लेते हैं। तो आप क्या करें कि आप पहले वीडियो को पूरा देखें। कई बार क्या होता है कि कोई बात स्टार्टिंग में बताना हम भूल जाते हैं तो उसको हम एंड में बता देते हैं, कोई ट्रिक कैसी होती है। तो ऐसा कीजिए कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे कि बटन पट्टी के बारे में तो कोई बात की ही नहीं हमने, तो क्या है इसमें मैं गोल गला बनाने जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं किया। अभी तक मेरी बटन पट्टी वैसे की वैसी ही चल रही है। बटन पट्टी के साथ मैंने अभी तक कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो क्या करूँगी, जैसे अब मेरी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है शोल्डर की, तो अब मैं इसको 3 इंच तक ऐसे ही बुनती जाऊंगी। तीन इंच तक मैंने बनाना है इसको, उसके बाद मैंने गला बनाना स्टार्ट करना है। तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जितने भी पार्ट हैं वो मैंने 1, 2, 3, 4 करके ऐसे अपलोड करने हैं। एक में सब कुछ नहीं आता क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो।
ऐसे मैंने पूरा अपना जितनी मुझे 3 इंच लेंथ चाहिए बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। और दूसरे पार्ट ये तो था मेरा लेफ़्ट साइड का, राइट साइड में मैं डिक्रीजिंग को बताऊंगी आपको कि कैसे करनी है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि बैक साइड में तो ऐसे की थी, एक ही रो में कर दी थी, और फ्रंट साइड में तो पल्ले अलग अलग हैं तो कैसे करें। ऐसा कुछ नहीं होता, मेथड सेम ही रहता है। तो ऐसे देखिए मेरी बटन पट्टी साथ साथ चल रही है, मैंने कंटिन्यू किया हुआ इसको, तो मैं 3 इंच तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने आगे कैसे गला निकालना है। उसके बाद उससे पहले मैं आपको दूसरे पार्ट का शोल्डर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए राइट साइड की डिक्रीजिंग भी देख लेते हैं कि कैसे हमने करनी है। लेफ़्ट साइड की तो मैंने बता दी, राइट साइड की बताती हूँ। राइट साइड की जैसे लेफ़्ट साइड की मैंने राइट साइड से की थी, राइट जैसे मेरा पैटर्न चल रहा था तो मैंने वहाँ से की थी। इसमें क्या है, यहाँ पर हमारी बटन पट्टी आ रही है, तो ये पार्ट तो हमारा, इतना पोर्शन तो हमारा सेंटर में आ जाएगा ना, बटन होल में आ जाएगा, तो यहाँ से तो हम डिक्रीजिंग कर नहीं सकते, तो हम लास्ट में से करेंगे। तो लास्ट में क्या होगा कि हमारी उल्टी साइड आ जाएगी, हमने उल्टी साइड से ही डिक्रीजिंग करनी है। तो पहले हम 2 फंदों की डिक्रीजिंग करेंगे, दो का एक किया, इस फंदे को लेफ्ट नीडल पर लेके फिर से 2 का 1, तीसरी बार 2 का 1, और ये 4th टाइम 2 का 1। 4 फंदों की डिक्रीजिंग हो गई है हमारी, और आगे हमारा जो पैटर्न चल रहा है हमने उसी को कंटिन्यू करना है कि कैसे हमने इसको बनाना है। एक बात इसमें मैं और बताऊंगी, जब हम इसमें जैसे मैंने दूसरे पल्ले में बताया था कि हमारे इसे जाली नहीं आनी चाहिए साथ साथ, कम से कम 1 इंच तो आनी नहीं चाहिए। अगर साथ साथ में आएगी 2-3 फंदे छोड़ के आ जाएगी तो काफ़ी बड़े ना जब स्टिचिंग करते हैं तो होल से बन जाते, वो अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जैसे होल आया है, आगे चल कर मैं इसको बंद कर दूँगी दूसरी रो में, ताकि ये 3 जब हम डिक्रीज करेंगे फंदे तो उसमें न आए, दूर रह जाए उससे। तो ऐसा आपने भी ध्यान रखना है जब आप ये पैटर्न अप्लाई कर रहे होंगे, तो ऐसा करते हुए हमने सारी डिक्रीजिंग कंप्लीट कर लेनी। ऐसे चलता है ये बैक साइड से पैटर्न, जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाते हैं, जो उल्टे होते हैं वो फंदे सीधे बुनने होते हैं हमने। इन फंदों की वजह से ही ये पैटर्न उभर के आता है। अगर हम उल्टे सीधे नहीं बुनते बैक साइड से, सिर्फ हम सीधा ही बुन लेते हैं या उल्टा बुन लेते हैं, तो हमारा जो पैटर्न होता है वो चपटा सा हो जाता है, उभर के नहीं आता इतना। तो ऐसे करते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। सेकेंड डिक्रीजिंग 3 फंदों की, तो सेम रहेगा हमारा तरीका, पहले पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे, 1 हो गया। ये हमने ना देख के करना है कि कौन सा फंदा उल्टी साइड हमने करना है, कौन सा फंदा हमने सीधी साइड से बंद करना है, क्योंकि पैटर्न चल रहा है, कभी हमें उल्टी तरफ के फंदों से बनाना पड़ता है, कभी राइट साइड के फंदों से बनाना पड़ता है। तो ऐसा मैं भी देख के ही बना रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे मैम कभी तो दूसरी तरफ नीडल का मुंह कर लेते हैं, कभी दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो ये पैटर्न का हिसाब होता है कि हमने
कैसे चलना है। तो ऐसे ही मैं ये उल्टी तरफ से फिर से रो कंप्लीट करके दो फंदों की जो डिक्रीजिंग है उस पर आ जाऊंगी। तो मिलते हैं ये रो कंप्लीट करने के बाद। एक उल्टी और एक सीधी रो कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस फिर से दो फंदों की डिक्रीजिंग पर। तो ये हम उल्टी साइड से करेंगे, सेम मेथड रहेगा। पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से गिराएंगे और फिर से दो फंदों का एक कर देंगे। एक पहले फंदा हमारा ऊपर से गिराया वो कम हो गया, एक दोबारा जो दो का एक किया है वो कम हो गया। तो ऐसे हमारी तीन डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी एक बाकी है, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि वो कैसे करनी है। वैसे कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल और आसान है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद एक सीधी रो कंप्लीट करूँगी, तब मैं आऊँगी तीसरी रो में जब, तो एक डिक्रीजिंग जो बाकी है वो करेंगे। हमारी लास्ट डिक्रीजिंग बची है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। पिछले फंदे को इसके ऊपर से गिराया और हमारा एक फंदा कम हो गया। ये हो गई हमारी 4-3-2-1 की डिक्रीजिंग कंप्लीट। अब मैंने क्या करना है, अब मैं अपने पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए इसको 3 इंच तक ऐसे ही बनाऊं। तो ऐसे मैंने 3 इंच तक दोनों पल्ले जैसे हैं, मैंने आपको दिखाया कि मैंने कैसे स्टार्ट किए हुए हैं। तो दोनों को मैंने ना यहाँ से डिक्रीजिंग से लेके, जैसे कि मैं दूसरे को भी दिखा देती हूँ, जैसे दोनों की मैंने देखिए डिक्रीजिंग कंप्लीट कर ली है दोनों पल्लों की। तो यहाँ से मैंने अभी यहाँ तक आ जाएगा मेरा 3 इंच तक, वहाँ तक मैं दोनों पल्ले बना लूँगी। उसके बाद हम इसका गला निकालेंगे कि कैसे निकालना है, गले की डिक्रीजिंग है जो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैं 3 इंच तक दोनों पल्ले बना लेती हूँ। दोनों पल्लों को मैंने एक साथ ही शुरू किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, तो मिलते हैं 3 इंच हम इसकी लेंथ बढ़ाने के बाद गले की डिक्रीजिंग में, कैसे गले की डिक्रीजिंग करनी है हमने। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर शोल्डर कटिंग के बाद 3 इंच बना लिया है। जैसे कि मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा पूरा 3 इंच हो गया। तो 3 इंच हमने बना लिया। अब हम इसमें जो हमारा गला निकालना है, लेकिन गला हमने इस तरफ निकालना है, बटन पट्टी की तरफ। ये तो हमारी शोल्डर वाली साइड है ना, तो हमने इस तरफ गला निकालना है। तो क्या करेंगे, इस तरफ हम पहले बटन पट्टी के फंदे हैं जो, उनको बना लेंगे। पहले हमने बटन पट्टी बना लेनी है। आपने जौन सा भी पैटर्न डाला होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपने बटन पट्टी बनानी है। अगर ये वाला अप्लाई किया है तो इसी को बना लीजिए। हमने बटन पट्टी के फंदे अलग से रखने हैं। बटन पट्टी के मेरे फंदे 10 हैं, इन 10 फंदों को मैं अलग से ले लूँगी। यहाँ से डिक्रीजिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे।
यहाँ पर मेरे 10 फंदे हो गए ऐसे। इन 10 फंदों को मैं स्टिचेस होल्डर में ले लूँगी, क्योंकि हमने डिक्रीजिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से नहीं करनी। तो ये फंदे हमारे आगे चल के काम आएंगे, इसलिए हमने पहले इनको निकाल लेना है, ताकि कोई भी फंदा हमारा नीचे ना गिरे। अगर गिर गया तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। ऐसे अब हमने यहाँ से करनी है डिक्रीजिंग स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से रो स्टार्ट होती है, नई रो, वहीं से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। गले की इस तरफ की स्टार्टिंग जो है इस बटन पट्टी की तरफ से हो रही है, सीधी साइड से, तो हम सीधी साइड से ही डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो उसकी डिक्रीजिंग हम उल्टी साइड से करेंगे। पहले ऐसे इस फंदे को बुन लेना है, इन दो फंदों को एक कर देना। और एक बात, हमने डिक्रीजिंग करनी है 3, 2, 1 की। इसका मतलब ये है कि तीन बार हमने तीन तीन फंदे कम करने हैं, तीन बार हमने, तीन फंदे मेरे हो गए, तीन बार हमने दो दो करने हैं और तीन बार ही हमने एक एक फंदा कम करना है। उसके बाद जितने मेरे फंदे बचेंगे, मैंने यहाँ पर 28 स्टिचेस शोल्डर के लिए रखने हैं, मुड्डे के लिए रखने हैं, तो मैं देखूँगी कि कितने फंदे मेरे बचे हैं एक्स्ट्रा, तो उनको भी मैं एडजस्ट करूँगी। तो देखेंगे आगे चल के कैसे करना है। यहाँ पर मेरा आगे पैटर्न आ जाएगा, जो भी मेरा पैटर्न है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। ऐसे मैं पहले ये सीधी रो, उसके बाद एक रो उल्टी उल्टी तरफ से वो कंप्लीट करके नेक्स्ट जो हमारी 3, 3 की डिक्रीजिंग है वो दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। एक सीधी रो और एक उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट 3, 3 की डिक्रीजिंग पर आ गई हूँ। पहली डिक्रीजिंग मेरी सेम तरीके से रहेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहला फंदा हमेशा ऊपर से गिराती हूँ ताकि डिक्रीजिंग स्मूथ बने। ऐसे एक फंदा कम हो गया, अब इसको इस नीडल पर ले लेंगे हम, दो तीन, ये हमारा तीसरा फंदा कम हो गया। आगे मेरा पैटर्न चलेगा, जो मेरा पैटर्न है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी और पहले ये रो पूरी करूँगी, उसके बाद मैं उल्टी रो पूरी करूँगी। उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद मैं तीसरी बार की जो हमारी 3, 3 की डिक्रीजिंग है उसको कंटिन्यू करूँगी। ऐसे हमने पैटर्न को भी साथ में रखना है। जैसा मैंने बताया था कि जब हम डिक्रीजिंग करते हैं तो जाली ज़्यादा उसके पास नहीं आनी चाहिए, जाली थोड़ा दूर ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब फंदे उठाते हैं तो फिनिशिंग नहीं आती, होल सा बन जाता है बड़ा सारा, तो वो नहीं होना चाहिए हमें। तो ऐसे मैं पहले ये सीधी रो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद उल्टी, और फिर से तीसरी बार की डिक्रीजिंग है जो हमारी 3 की
उसको बनाएंगे। अब हम करते हैं तीसरी बार तीन तीन की डिक्रीजिंग। पहले ऐसे फंदों को लेंगे दो को, पिछले फंदे को इसके ऊपर से गिराना है, फिर ये फंदा इसी नीडल पर ले लेना है। एक फंदा कम हो गया, दो, और ये तीन, तीन फंदे फिर से कम कर दिए मैंने। आगे मेरा पैटर्न रहेगा, जो भी मेरा पैटर्न है तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी। तो ऐसे मैं ये पहले सीधी रो, उसके बाद एक उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद दो की डिक्रीजिंग स्टार्ट करूँगी। तीन की तो हमारी हो गई, तीन की हमारी ख़त्म हो चुकी है तीन बार, तो आगे हमने दो दो की डिक्रीजिंग करनी है। तो देखें तीन तीन का सीक्वेंस हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम करेंगे दो दो की डिक्रीजिंग। ऐसे हमने जैसे पहले तीन बार तीन तीन की डिक्रीजिंग की थी, अब ऐसे ही हमने तीन बार दो दो की करनी है। लेकिन उसी के बीच हमने देख लेना है कि हमारे फंदे कहाँ से कम हो रहे हैं और कहाँ से बढ़ रहे हैं। अगर हमारे शोल्डर के फंदे ज़्यादा होंगे तो हम एक बार और दो की डिक्रीजिंग कर देंगे। पहली बार की तरह ही पहले मैं सीधी रो कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि दो की डिक्रीजिंग फिर से कैसे करनी है। हम दूसरी बार हम करेंगे दो फंदों की डिक्रीजिंग। एक बार पहले हमने कर ली है, एक बार फिर से, ये हमारी दूसरी बार है। एक हो गया, दो, दो फंदे मेरे हो गए कम। हर बार की तरह मैं पहले सीधी रो कंप्लीट करूंगी, उसके बाद उल्टी रो कंप्लीट करूंगी और फिर से दो फंदों की डिक्रीजिंग पर आ जाऊंगी। यहाँ पर मैंने की है तीन बार दो 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 और तीन बार तीन तीन तीन, फिर करेंगे तीन बार एक एक एक। लेकिन क्या है, मैंने फंदे काउंट किए हैं, मेरे 28 फंदे मुझे चाहिए, तो मेरे पास 29 फंदे हैं। मैं चार बार एक एक की डिक्रीज करूँगी मैं, तो मेरे फंदे सेट आ जाएंगे। कई बार होता है कि हमारे फंदे बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमको चार पांच बार दो दो की करनी पड़ती है, या तीन चार बार हमको तीन तीन की करनी पड़ती है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन मेरे फंदे बिल्कुल सेट हैं, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फंदा मेरा ज़्यादा है, तो उसको मैं एक फंदे में जब एक एक का सीक्वेंस आएगा तो उसी में एक बार ज़्यादा कम कर लूँगी। तो ऐसे ही ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं करूँगी उल्टी तरफ से भी रो कंप्लीट, और फिर आएंगे एक बार जो हमारा बचा है दो की डिक्रीजिंग उसको। ये मेरी रो कंप्लीट हो चुकी है, तो उल्टी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर से दिखाती हूँ आपको दो की डिक्रीजिंग। तो जो हमारी एक बची है दो फंदों की डिक्रीजिंग उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक की डिक्रीजिंग करेंगे। एक एक फंदे को हमने चार बार कम करना है।
तो मैं एक एक फंदे की डिक्रीजिंग बताती हूँ आपको। ये दो रो कंप्लीट करने के बाद एक सीधी और एक उल्टी। अब हम आ गए हैं एक एक फंदे की डिक्रीजिंग पर। हमारा पहले सीक्वेंस चल रहा था तीन तीन का, उसके बाद दो दो का। अब हम एक एक फंदे की डिक्रीजिंग करेंगे। तो एक एक फंदे की डिक्रीजिंग करने का बहुत इजी तरीका है। आपने ऐसे ही ले लेना है ये फंदा और ये वाला, इन दो फंदों को लेके जो पीछे है फंदा उसको इसके ऊपर से गिरा देना है। एक फंदे की डिक्रीजिंग हमारी हो गई। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने आपको सारा तीन तीन का भी दिखाया, दो दो का भी बना के दिखाया, तो एक फंदे का इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे करना है। हर बार मैं ऐसे ही करूँगी, एक फंदा बिना बुने रख लूँगी और उसको बाद में सीधी तरफ आगे उसके पहले फंदे के ऊपर से गिरा के एक फंदा कम कर दूँगी। मेरे पास चार फंदे हैं, तीन तीन का सिक्वेंस तो मैंने करना ही था, एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा है तो मैं उसको भी कम करूँगी। आप देख लीजिए कि आपके कितने फंदे हैं तो आपने कैसा करना है। लेकिन क्या है, हमने ज़्यादा लंबा एक एक का सीक्वेंस नहीं ले सकते। उसके साथ क्या होता है कि गले की शेप अच्छी नहीं आती, गुलाई में नहीं आती, चपटा सा हो जाता है। तो अगर आपके फंदे ज़्यादा है तो आप चार बार दो दो का कर लीजिए, पाँच बार दो दो का कर लीजिए, लेकिन एक एक का आपने सिर्फ पाँच बार तक ही करना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं। उससे हमारे गले की शेप ख़राब हो जाती है और कुछ नहीं होता इसमें। और मैं आगे आपको एक एक का जो तीन फंदे हमारे कम करने रहते हैं वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको यही चलेगी हमारी। तो ऐसे ही मैंने हर बार एक बिना बुने रख के फंदे को कम कर लेना है। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी चैन बन रही है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ। कई बार होता है ना, कान से निकल आते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऊपर पहाड़ियाँ बन जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है कि जब हम फंदे उठाएंगे तो बहुत ही सफाई से उठेंगे, ज़्यादा हम दूर दूर तक नहीं जाके उठाएंगे। मैंने कई बार देखा है तो कुछ लोग सीढ़ियाँ सी बना लेते हैं, तो वैसा नहीं है इसमें। ये ट्रिक बहुत सुंदर है और आसान भी है। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड की डिक्रीजिंग, कि वहाँ पर हमने उल्टी साइड से करनी है ना, तो वो कैसे करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चार बार एक एक फंदा कम कर लिया है, और देखिए गले की शेप बहुत सुंदर आ रही है, बिल्कुल गोल गला बन रहा है। अब आगे है मेरा ये गला, यहाँ तक जैसे कि हमने शोल्डर की लेंथ भी देखनी है कि हमारे शोल्डर की लेंथ कितनी चाहिए। हम मुझे 8 इंच लेंथ चाहिए इसकी, तो अभी मेरी 3 इंच लेंथ बाकी है। 3 इंच मैं इसे सीधा सीधा ही बनाऊंगी, तो इसमें आगे मैं कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे फंदे जो मुझे मुड्ढे में चाहिए थे वो मेरे फंदे पूरे हैं, तो इससे ज़्यादा मैं कम नहीं करूंगी। तो अब क्या करते हैं, ये तो थी सीधी तरफ से डिक्रीजिंग। तो ये हमारी जो पट्टी है, पहला पल्ला है फ्रंट साइड का, तो ये तो था राइट साइड का, तो जैसे कि ये लेफ्ट साइड का है। तो देखिए जैसे मैंने शुरू कर रखा है, इसकी भी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से 3 इंच की लेंथ मैंने की है, और इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है हमने अब। तो डिक्रीजिंग स्टार्ट करने के लिए हमने फिर से स्टिचेस होल्डर में हमने फंदों को ले लेना है, बटन पट्टी के जितने भी हमारे फंदे होंगे उन सबको हमने बटन हो इस स्टिचेस होल्डर में ले लेना है, ताकि हमारे फंदे गिरे ना। अगर आपके पास स्टिचेस होल्डर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन में भी डाल सकते हो, उसमें भी अच्छे से होल्ड हो जाते हैं।
तो इसकी हमने करनी है उल्टी साइड से। जैसे कि हमारी शोल्डर कटिंग होती है, एक तो सीधी तरफ से होती है, एक उल्टी तरफ से होती है, लेकिन उसमें चेंज कुछ नहीं होता, सेम डिक्रीजिंग का मेथड होता है। तो उसी तरह से इसमें भी सेम ही रहेगा। मैं एक बार आपके करके दिखा देती हूँ कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने खुद करना है कि कैसे हमने आगे करना है। पहले दो का एक किया, फिर से इस फंदे को दूसरी नीडल पर लेना है, दो और ये तीन, तीन फंदे कम हो गए हमारे। आगे हमने पैटर्न को कंटिन्यू करना है, जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसी को। तो ऐसे पहले तो मैं क्या कहती थी कि एक मैं सीधी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, एक मैं उल्टी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग बताती हूँ। लेकिन इसमें क्या करना है, पहले हमने उल्टी रो कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद सीधी कंप्लीट करनी है, फिर जब हम तीसरी बार आएंगे इसमें तो उसमें डिक्रीजिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस इतना था कि बटन पट्टी के फंदे हमने छेड़ने नहीं हैं, इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि आगे चल के हमारे काम आने वाले हैं। तो डिक्रीजिंग हमेशा बटन पट्टी के फंदों के बाद ही स्टार्ट करनी है। तो आगे पूरी कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने कैसे करना है, कि मेरी शेप कैसी आती है। शेप दिखाऊंगी आपको कि गले की शेप कैसी आती है जब इसी फॉर्मूले से हम डिक्रीजिंग करते हैं। तो मिलते हैं इसकी पूरी डिक्रीजिंग के बाद। सीक्वेंस सेम रहेगा, पहले तीन तीन तीन, दो दो दो, उसके बाद एक 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 एक, चार बार एक एक करना है। अगर आपने इतने ही फंदे डाले हैं जितने कि मैंने 110 बैक साइड में डाले थे और 68 फ्रंट में डाले हैं मैंने एक पल्ले में, अगर आपके सेम फंदे हैं तो आपकी भी डिक्रीजिंग सेम ही होगी। अगर कम या ज़्यादा है तो आप उतना ही देख लीजिए, आप दो दो का सीक्वेंस बढ़ा दीजिए और एक दो बार एक एक का सीक्वेंस बढ़ा दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो फिर एक्सेल हो जाएगा, डबल एक्सेल हो जाएगा। तो उसमें शोल्डर की चौड़ाई भी हमको उतना ही ज़्यादा रखनी है कि हमने साइज़ के हिसाब से ही मुड्डा रखना होता है। तो मिलते हैं पूरी डिक्रीजिंग करने के बाद। तो देखिए, मैंने दोनों साइडों के तरफ से गला बना लिया है और गला बिल्कुल गोल बना है, जैसा कि आप देख सकते हो एक जैसा बना है। एक भी फंदे का मैंने फ़र्क नहीं किया, कोई भी फंदा मैंने कम या ज़्यादा नहीं कम किया। पहले मैंने तीन तीन का सीक्वेंस किया, उसके बाद दो दो दो, उसके बाद पांच बार एक 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 एक। तो ऐसे मैंने फंदे कम किए और मुड्डे के फंदे मैंने 28 रखे हैं। एक बात मैं और बताऊंगी, जब मैंने यह गला बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने शोल्डर की लेंथ 3 इंच पहले बना ली थी, उसके बाद गला बनाना शुरू किया था। तो मेरे शोल्डर लेंथ है जो 8 इंच है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी ऊपर की लेंथ जो गले की लेंथ है वो 5 इंच है। 5 इंच जो होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर हम 5 इंच से 5.5 या 6 कर लेते हैं तो गला नीचे को लमका सा रहता है, नीचे ढीला ढीला रहता है। अगर हम ज़्यादा टाइट कर लेते हैं तो हमारे अपनी नेक के साथ उसको टच करता रहता है तो इरिटेशन होती रहती है। तो हमेशा यही करना चाहिए कि 3 इंच के बाद गला निकालना चाहिए और उसकी लेंथ कम से कम 5 इंच ही होनी चाहिए, तो ये परफेक्ट रहता है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने ये फ्रंट साइड के पल्ले अटैच करने हैं बैक साइड के पल्लों के साथ, क्योंकि ये इनकी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या करेंगे, पहले हम बैक साइड का पल्ला यहाँ पर बिछा लेंगे। इस नीडल पर फंदे थोड़े ज़्यादा हैं,
तो क्या करना है, हमने फ्रंट साइड के पल्ले इसके ऊपर रखने हैं। फ्रंट साइड का पल्ला तो हमने रखना है सीधा, जो पैटर्न वाली साइड है वो ऊपर को आनी चाहिए और उल्टी साइड नीचे जानी चाहिए, ये है। लेकिन जो हमने करना है फ्रंट साइड, वो इसके उल्टा रखना है, वो हमने सीधी साइड नीचे को रखनी है और उल्टी साइड ऊपर को रखनी है। और बटन पट्टी है जो हमारी, वो सेंटर में आनी चाहिए। ऐसे शोल्डर से शोल्डर अटैच करके हमने रख लेना है। अभी ये जगह कम होने की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे बैक साइड थोड़ी छोटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसे करके अटैच करना है। ये जो हमने 28 फंदे रखे हुए हैं वो बैक साइड के साथ जॉइंट कर देने हैं हमने, और इस साइड के भी कर देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, नीडल का मुंह थोड़ा उल्टा है, तो दोनों का मुंह एक साइड में कर लेंगे हम पहले। तो इसके बाद हम दोनों को जॉइंट करेंगे, पहले इस साइड का कर लेते हैं। ऐसे उल्टी रो पूरी बनानी है, तभी हमारी नीडल का मुंह दूसरी तरफ जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों नीडल्स का मुंह एक साइड में कर लिया है। एक पल्ले को यहाँ से उठा देते हैं, इसको हम बाद में अटैच करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। तो करना क्या है, दोनों नीडल्स में से एक एक फंदा लेना है हमने, और दोनों को बाइंड ऑफ करना है। थ्री नीडल्स बाइंड ऑफ जैसे करते हैं ना, ऐसे एक लिया, एक दूसरी नीडल से लिया, पहले दोनों में से एक एक लेके ऐसे निकाल लेना है, इसमें से उतार लिया, उसके बाद इसमें से उतार लिया। फंदे ज़्यादा होते हैं तो निकलने का डर बना रहता है। तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, दोनों में से एक एक लेना है, और दोनों में से निकाल देना है। अब पिछली नीडल पर हमारे दो फंदे हो चुके हैं, उनमें से दो में से जो है पिछला फंदा, उसको पहले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। तो ऐसे ही हमने साथ साथ करते जाना है। जब हमारे पिछली साइड में दो फंदे हो जाएंगे तो उसको हमने बाइंड ऑफ कर देना है।
और ठीक हाथ रखना है, ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ही ज़्यादा लूज रखना है हमने। ऐसे पिछले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। ऐसे करके हमने पूरी जो हमारे 28 फंदे हैं उनको बंद कर देना है। जब भी हमारे दो फंदे हो जाएंगे पिछली साइड, तो एक फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर से गिरा देना है। तो ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरे जैसे देख सकते हो आप, पीछे बाइंड ऑफ होना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद दूसरी साइड में करूँगी कि कितने फंदे हमने सेंटर में रखने हैं और जो हमारे फ्रंट साइड के मुड्डे के हैं वो सारे हमने बंद कैसे करने हैं। तो देखिए, एक शोल्डर को मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये चैन बनी हुई है। पहले मैंने एक फंदा दोनों नीडल्स में से लिया, एक उसमें से उसको बुना। जब हमारे दो फंदे हो जाते हैं राइट नीडल पर, तो पिछले फंदे को हमने पहले फंदे के ऊपर से गिरा देना है। तो साथ साथ में बाइंड ऑफ भी होता जाता है और दोनों शोल्डर जो हैं अटैच भी हो जाते हैं। राइट साइड से भी देखिए, तो ऐसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुके हैं। तो अब हम करेंगे दूसरी साइड अटैच। दूसरी साइड भी सेम तरीके से ही करेंगे। दोनों नीडल्स का मुंह एक साथ कर लेना है एक साइड में, और सेम मेथड रहेगा। दोनों में से एक एक फंदा हमने लेना है धीरे धीरे करते हुए। जब हम दूसरी 4-ply की वूल लेते हैं तो वो इतना तंग नहीं करती। ये वाली जो होती है 3-ply की, इसमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये इसका धागा फट जाता है, तो धीरे धीरे करना पड़ता है। अभी हमारे पास सिंगल फंदा है। दो फंदे करने के बाद हम वाइंड ऑफ करेंगे। पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से गिरा देना है, ऐसे। फिर से दोनों में से एक एक फंदा लेंगे। और पिछले फंदे के को अगले फंदे के ऊपर से गिरा देना है। यही है इसमें। मुश्किल नहीं है बिल्कुल, सिर्फ ये है कि धीरे धीरे करना पड़ता है, कहीं हमारे फंदे नीचे गिर ना जाएं। अगर गिर गए तो उठाने मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। दोनों को अटैच भी करते जाना है और बाइंड ऑफ भी करते जाना है। इसी को 3 needles बाइंड ऑफ करते हैं कहते हैं। जैसे 3 needles हो गई हमारे पास, और कई बार होता है ना, किसी को नहीं पता चलता कि 3 needles बाइंड ऑफ क्या होता है, तो ये 3 needles बाइंड ऑफ है। तो ऐसे देखिए, फिर से
मैंने फिनिशिंग के साथ काफ़ी फंदे बंद कर लिए हैं। इसी तरह मैं पूरे फंदे बंद कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसकी फिनिशिंग कैसे आती है। तो देखिए, कार्डिगन के मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं, पहले ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ, दूसरा ये वाला। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने 3 नीडल्स बाइंड ऑफ किया है। तो अगर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही कीजिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है और बहुत आसान। तो मेरे शोल्डर अटैच हो चुके हैं, अब इसका मैंने गला बनाना है, गले के फंदे उठाने हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत नहीं जो लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। बेल आइकन का ये बेनिफिट होता है कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया है और मैं कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही हूँ। तो इसका जो गले का वीडियो है वो दूसरे पार्ट में मैं डालूँगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।